देश ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में सिखों की आबादी आमतौर पर देखी जा सकती है और इसकी प्रमुख पहचान इनकी पग होती है। जानिए कि ये पग कैसे सिखों के साथ जुड़ी, कैसे इसके चलन में बदलाव हुए और इससे जुड़े विवाद क्या हैं। सिखों की पहली और प्रमुख पहचान उनकी पगड़ी होती है, जिसे पग भी कहा जाता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में सिखों की खासी आबादी इस पगड़ी की वजह से अलग पहचानी जाती है और समय समय पर इस पगड़ी को लेकर विवाद से भी दोचार होती है। सिखों की पगड़ी जैसी आज है, क्या हमेशा से वैसी ही रही है? कैसे ये पग सिखों की पहचान बनती चली गई? इन तमाम सवालों के जवाब में इतिहास की परतें खंगालती एक किताब प्रकाशित हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि पगड़ी का इतिहास करीब 4000 साल पुराना है और दुनिया की कई सभ्यताओं में फैला हुआ है। अमित अमीन और नरूप झूठी लिखित किताब टर्बन्स एंड टेल्स के कुछ अंशों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि पगड़ी कैसे सिखों की विकास यात्रा में रूप और आकार बदलकर वर्तमान रूप तक पहुंची है। इस किताब के मुताबिक पगड़ी की ठीक ठीक शुरुआत को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन पगड़ी जैसा एक पहनावा 2350 ईसा पूर्व में एक शाही मेसोपोटेमियन शिल्प में दिखाई देता है। माना जाता है कि इस पहनावे का ये सबसे पहले का नमूना है। ये भी समझा जा सकता है कि अब्राहमी धर्मों से पहले भी ये पहनावा प्रचलित था। आइए जानें कि सिखों की पग का दिलचस्प इतिहास क्या रहा है और कैसे ये पग भारत पहुंची, फिर कैसे इस पग को वो स्वरूप मिला जो आज प्रचलन में है। मौसम से बचाव का साधन थी पग। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में धूप, बारिश और ठंडी हवाओं से बचने के लिए पग पहनने का चलन शुरू हुआ था। कुछ इलाकों में केवल आस्थावानों को पग पहनने की इजाजत दी थी। कुछ इलाकों में अलग संस्कृति के चलते नास्तिकों को अलग रंग की पग पहनने की व्यवस्था रही। उदाहरण के लिए 8वीं सदी में इजिप्ट और सीरिया में ईसाई नीली, यहूदी पीली और समारी लाल, जबकि मुस्लिम सामान्य तौर से सफेद पगड़ी पहना करते थे। भारत में पग का प्रचलन कैसे आया? 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य से पहले भारत में सामान्य तौर पर केवल शाही परिवारों या उच्च अधिकारियों को ही पगड़ी पहनने की इजाजत रही थी। ये सामाजिक प्रतिष्ठा और उच्च वर्ग का प्रतीक था। खासतौर से हिंदू संप्रदाय में निम्न मानी जाने वाली जातियों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं थी। इस्लामी शासन में इस व्यवस्था में बदलाव शुरू हुआ। जब औरंगजेब का शासन काल आया, तब एक खास आबादी को अलग पहचानने के लिए इस पगड़ी का इस्तेमाल शुरू हुआ। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों, खासतौर पर सिखों की आबादी को पहचानने के लिए पगड़ी की व्यवस्था की। औरंगजेब ने जब सिखों के गुरु तेग बहादुर को मौत के घाट उतारा, तब उनके बेटे गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों के लिए पग पहनना अनिवार्य किया। ये पग शासन के विरोध के साथ ही सिखों की आजादी और समानता का प्रतीक बनी। ब्रिटिश राज में भारतीय सैनिकों के लिए पगड़ी पहनना अनिवार्य किया गया था। ब्रिटिश राज में हुए पग में कई बदलाव। 1845 में जब पंजाब में ब्रितानिया हुकूमत ने पैच बनाई, तब पगड़ी के चलन में कई बदलावों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले पग को सिख सिपाहियों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों को सलीका पसंद था, इसलिए उन्होंने एक खास आकार और सिमेट्री वाली पग का चलन शुरू किया। शुरुआत में ये पग केन्याई स्टाइल की रही और फिर बाद में इसका रंग रूप बदलता गया। इस पग में चक्कर लगाने की परंपरा भी अंग्रेजों ने ही शुरू करवाई। अंग्रेजों की वजह से ही सिखों ने अपनी दाढ़ी को बांधना भी शुरू किया था। असल में अंग्रेजी बंदूक चलाते समय खुली दाढ़ी में आग लगने की आशंका रहती थी, इसलिए सिपाहियों को हिदायत दी गई थी कि वो दाढ़ी को ठोड़ी के पास बांधे। ये सिलसिला ऐसा चला कि आज भी कई सिख इस नियम का पालन करते हैं। आजादी के बाद पग को लेकर क्या बदलाव हुए? अंग्रेजी राज से आजादी मिलने के बाद भारत में कई धर्मों ने अपनी पहचानों को लेकर विचार शुरू किया। हिंदुओं ने पगड़ी पहनना छोड़ दिया, क्योंकि आजादी के समय दंगों में उन्हें सिख समझकर हमले का शिकार होना पड़ रहा था। वहीं पाकिस्तान में मुस्लिमों ने भी पगड़ी पहनना छोड़ दिया। भारत में जहां पगड़ी एक समय हर वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी रही थी, वहीं आजादी के बाद केवल सिखों ने इसे अनिवार्य ढंग से अपनाए रखा। वर्तमान में सिख कई तरह की पग पहनते हैं, ये एक सामान्य शैली है। विदेशों में सिखों की पहचान और विवाद। भारत से सिख ब्रिटेन या पश्चिमी देशों में गए तो उन्हें पहले पहल सम्मान मिला और उनकी सैन्य क्षमताओं के लिए उन्हें मान दिया गया। वहां भी सिखों ने पगड़ी को अपना अनिवार्य पहनावा बनाए रखा, लेकिन समय समय पर इससे विवाद जुड़े।
ब्रिटेन में कभी बस ड्राइवर को ड्यूटी के समय पग पहनने से रोकने की कोशिश हुई, कभी स्कूल में सिख छात्रों की पग पर प्रतिबंध लगाया गया, तो कभी हेलमेट कानून के चलते पग पहनने की प्रथा खत्म करने की कोशिश हुई। लेकिन सिखों के डटे रहने के बाद अब ब्रिटेन के कानून में सिखों के लिए पग को अनिवार्य माना जा चुका है। अन्य कई देशों में भी पग स्वीकार है, लेकिन कभी कभी अब भी इसे लेकर विवाद खड़े होते रहते हैं। फैक्ट्यू वर्ल्ड में बस इतना ही। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्यू वर्ल्ड को। नमस्कार।